हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छी होंगी, तंदुरुस्त हैं सभी अपने घरों में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लास्ट वीडियो मैंने आप सभी को अपने फैमिली के बारे में बताया था। आज मैं आप सभी को अपने पूरे डे के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, देखिए मॉर्निंग के समय मैं ना वर्कआउट ज़रूर करता हूँ। देखिए वर्कआउट करने से आप सभी को पता है कि जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, वार्म अप करेंगे, हमारी बॉडी जो इससे काफ़ी ज़्यादा फिट रहती है। ठीक है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार जितना ज़्यादा हो सके आप लोग भी वर्कआउट करें, और मैं भी जो अपनी निजी लाइफ में करता रहता हूँ। और आप सभी से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने टोटल कितने पुशअप्स निकाले हैं। देखिए ये हमारे सिंपल पुशअप्स हैं, इसके बाद मैं आपको डायमंड पुशअप्स भी करके बताऊँगा कि मैं डायमंड पुशअप्स कितने निकालता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मैं रेगुलरली जो है वर्कआउट करता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारे सेकंड पुशअप्स हैं। एक्सरसाइज तो दोस्तों मैं बहुत सारी करता हूँ, बट इसमें मैं आप सभी के लिए सिर्फ दो पुशअप्स को लेकर ही आया हूँ। आने वाली जो मेरी वीडियोस होगी उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करूँगा। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ आप सभी का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा कंटेंट अच्छे अच्छे लेकर आऊँगा। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं लकड़ी काटने के लिए अपने खेत के लिए आया हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है हम गांव में लकड़ी काटते हैं। हम लोग दोस्तों 365 डेज में अपने घर पर रेगुलर जो तंदूर में आग जलाते हैं, और हमारी रोटी तो मैक्सिमम टाइम जो उसी पे बनती है। ठीक है दोस्तों, लगभग मैंने लकड़ी काट ली थी, और यहीं साइड में हमने जो लकड़ी रखी होती है, जंगल से लाई होती है बहुत सारी लकड़ियाँ। दोस्तों आप मेरे पीछे हमारा घर देख रहे होंगे, जिसे मेरे दादाजी ने बनाया है, और हम लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के मन में विचार बन रहे होंगे, ये तो जाहिर सी बात है, कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। देखिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, अभी मैं एक ऐसे एनिमल के पास जा रहा हूँ। मैंने अभी तक उसका नामकरण तो नहीं किया है, बट आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या नाम होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं लगभग उसके पास पहुंच ही चुका हूँ, पहुंच भी गया। दोस्तों मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा, ये मेरे पीछे एक छोटा सा शिप है। इसको ना पापा जी ने जो बहुत समय पहले लाया था, और ये काफ़ी ज़्यादा नटखट और प्यारा है, आप देख सकते हैं इसको। कभी कभी तो दोस्तों इसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अपने सींग से ना ये हर किसी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसे ना पानी पिलाने के लिए अपने घर ले जाता हूँ। अभी रास्ते पे हर किसी के घास को ये खाता रहता है। आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कहीं पे भी जो अच्छा सा घास मिलना चाहिए, तो वे तो एकदम से उसे खा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो इसे मैं अपने घर के लिए ले जा रहा हूँ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इसका नाम क्या होना चाहिए। एक बार तो यहाँ पे ना ये एप्पल की पेल को खाने वाला था, उतने में मैंने इसे खींच लिया। देखिए ना, आपको पता है इन जानवरों की कोई गारंटी नहीं होती है कि कभी भी ये किसी के खेतों का जो नुकसान कर सकते हैं। अभी मैं अपने घर के साथ पहुँच चुका हूँ, तो इसे मैं बुला रहा था, ये सुनता ही नहीं है। ये अपने ही तरीके से चलता है, अपना ही इसका एक स्टाइल है, टेरर है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जो मेरे कैमरे के पास आ रहा था। दोस्तों अब मैं इसे ना अपनी थाली में पानी पिला रहा हूँ, क्योंकि यार इसे बहुत ज़्यादा प्यास इसे इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी कि मुझे जो और बर्तन नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ही थाली में इसे पानी पिला दूँ। पानी पीने के बाद ना मैंने इसे आप पेड़ के नीचे रखा, ताकि इसकी बॉडी ज़्यादा हीट ना हो, क्योंकि आजकल आप सभी को पता है गर्मी के कारण क्या होता है कि पसीने जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। ये तो दोस्तों जानवर होते हैं, हमारा फ़र्ज़ एक बनता है कि इनकी प्रोटेक्शन करें। दोस्तों अब मैं आप सभी को अपनी प्यारी सी गौ माता की ओर ले चलता हूँ। ये मेरी गौ माता है, और इसका नाम मेरी मम्मी ने लाली रखा है, और ये बहुत ही ज़्यादा नटखट है, प्यारी भी है दोस्तों देखने के लिए। आप सभी को मैं बता दूं, इसकी बदौलत देखिए मैं दूध, घी, मक्खन,
लस्सी, ये बहुत सारी चीज़ें जो है अपने घर पर ही खा सकता हूँ। तो मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप भी अपने घर पर एक गाय रखिए ताकि आपको शुद्ध और तरोताज़ा गाय से मिलने वाला दूध और मक्खन, जैसे कि मैंने बताया कि ये सब चीज़ें होती हैं, वे आपको अवेलेबल हो सके। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो हमारी गाय होती है इसके गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं और हमारी जो गाय का गौंत्र होता है उसको जो है औषधि बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपने इस वीडियो को जो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिखिए और आप बताइए कि आप फ्यूचर में मेरे यूट्यूब चैनल पे किस टाइप का व्लॉग देखना चाहेंगे। मैं डेफिनेटली दोस्तों आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग व्लॉग लेकर आऊँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।